अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं चिकन तहरी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं चिकन तहरी बना रही हूँ, मीन्स चिकन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप मीट या फिर वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया। मैंने चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। नेक्स्ट इसमें कर्ड ऐड करना है। कर्ड मेरा मीन्स ये रेशियो रखना आपको, अगर आपका चिकन 1 kg है तो 500 ग्राम कर्ड ऐड करना है। इस हिसाब से 2 kg है तो 1 kg कर्ड ऐड करना है। तो ये मेरा अच्छे से कर्ड और चिकन मिक्स हो गया। देन मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें ये भी ध्यान देना है कि टर्मरिक पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि वो तहरी बन रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 tablespoons टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ। 1 tablespoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। देन 1 tablespoon मैंने गरम मसाला लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और 1 tablespoon मैंने केवड़ा वाटर लिया है। 1 tablespoon रोज़ वाटर और यहाँ पर थोड़ा सा मीठा अतर मैं डाल रही हूँ, 3 to 4 drops, और इसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है। अभी फ़िलहाल मैंने हाफ़ मसाला ऐड किया है, हाफ़ मसाला बाद में ऐड करना है। ये हो गया, ये अच्छे से मिक्स कर देना है। एक तरफ मुझे कढ़ाई ले लेना है, ऑयल डाल देना। ऑयल आपका 1 cup डालना आप, क्योंकि अब सारा चीज़ आपको उसमें बनेगा। तो सबसे पहले आपको ऑनियन फ्राई करना। ऑनियन का जो कलर होगा वो ब्राउन होना चाहिए। सो आपका जो फ्लेम हो वो लो होना चाहिए, लो टू हाई करना। सो ये मेरा ऑनियन हो गया, एक बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया। उसी ऑयल में मुझे चिकन ऐड करना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। पहले तो आप अच्छे से फ्राई करना हाई फ्लेम में, देन उसे लो करना पड़ेगा क्योंकि उसे गलाना पड़ेगा। सो ये चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मुझे बाकी मसाले ऐड करना है। तो सो मैंने गर्म मसाले ऐड दे दी हूँ इसमें, और नेक्स्ट मैं ग्रीन चिली 8 to 10, देन सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। देन मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 tablespoons जिंजर, 2 tablespoons गार्लिक। सो और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम मेरा लो रहेगा फ़िलहाल, अभी के लिए फ्लेम आपको लो करना है। जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा चिकन गल गया है 70%, यहाँ पर चिकन सिर्फ 70% कुक होगा, बाकी ये दम में जाएगा, तब वो 100% कुक होगा। तो आप कोशिश करें कि आपका एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो लो फ्लेम में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब आप दम है इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसका एक्स्ट्रा वाटर। तो यहाँ पर ऑनियन और चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये मेरा चिकन 70% कुक हो चुका है। ऑयल एक साइड हो गया, मसाला एक साइड हो गया। अब चलते हैं। सो अब एक डेग में मुझे वाटर बॉईल कर लेना है, उसमें कुछ गरम मसाला भी ऐड कर लेते हैं। सो जितने भी मेरे पास गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया। दूसरा एक डेग चढ़ा लेते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा जो चिकन का ऑयल है वो निकाल करके वो डाल लेते हैं। और ये सब सारे गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया। 1 tablespoon मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसे 5 minutes के लिए फ्राई कर लेना है। सो आप देख सकते हैं ये अच्छे से 5 minutes के लिए फ्राई हो जाएगा। तो इसमें मुझे चावल ऐड करना है। चावल कम से कम आपको 10 minutes के लिए लो फ्लेम में फ्राई करना होगा, तब आपका टेस्ट और अच्छा आएगा और इन्हेंस होगा। तो आप चलते हैं और अच्छे से चावल को फ्राई करिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका कलर भी चेंज हो जाएगा चावल का। सो ये मेरा हो गया। अब इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। यदि आपके पास चावल का क्वांटिटी 1 cup है तो आप वाटर 2 cup ऐड करें, आपका रेशियो ऐसा होना चाहिए। सो ये मेरा चावल हो गया है।
अब इसमें मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी वेजिटेबल या फिर कोई भी मीट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा फाइनल लुक है, ये मेरा तहरी का फाइनल लुक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।